मेरठ की सीजी यूनिवर्सिटी में पुलिस द्वारा छात्र को इनामी बताकर मुठभेड़ दिखाने का मामला सामने आया है। पुलिस द्वारा मनमानी कर एक निर्दोष छात्र को अपराधी बना दिया गया। इस मुठभेड़ को लेकर छात्रों ने कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा होकर हंगामा खड़ा कर दिया। छात्रों की मांग थी कि एसपी सिटी अखिलेश नारायण को हटाया जाए और जेल भेजा जाए। वहीं छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने निर्दोष छात्र को आरोपी बनाया। छात्र बीजेएमसी द्वितीय ईयर का है। छात्र कादिर राणा गुरुवार को मेडिकल क्षेत्र में हुए एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए छात्रों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा और छात्र को बाइज्जत बरी करने की मांग की। छात्रों का कहना है कि अगर पुलिस इसी तरह पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर भी ऐसे आरोप लगाती रही और इनामी बनाकर अपनी मनमानी करती रही तो सीधे लोगों का भी जीना दुश्वार हो जाएगा और क्राइम घटने की जगह बढ़ता चला जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार या फिर यूपी की योगी सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन जो जमीनी हालात है वो बदायूं जिले में साफ देखे जा सकते हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत लगभग 150 कर्मचारियों का वेतन लगभग 11 माह से ना मिलने पर सभी कर्मचारी भुखमरी की कगार पर है, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री से लेकर डीएम व सीएमओ व अन्य उच्च आला अधिकारियों से की गई, लेकिन उनको सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला। करहल क्षेत्र में विद्युत विभाग की उदासीनता के चलते एक बड़ा हादसा होते होते बच गया, जिस कारण दो किसान जिंदगी और मौत की जंग से जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। थानाध्यक्ष कुर्रा की सूझबूझ के चलते घायलों को तत्काल उपचार के लिए ले जाया गया। बताते चले कि कस्बा कुर्रा के मेन बाजार से ही होकर गुजर रही 11,000 वोल्ट की विद्युत लाइन के टूटने से दो किसान घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये दोनों किसान अपने किसी कार्य से बाजार गए हुए थे कि तभी अचानक 11,000 वोल्टेज का तार बाजार में गिरने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए। वही तार गिरने से बाजार में अफरा तफरी मच गई। रामपुर में बदमाशों के हौसले बेहद बुलंद है। मामला पटवाई थाना क्षेत्र का है, जहां स्कूल जाते समय बाइक सवार बदमाशों ने टीचर को गोली मार दी। गोली लगते ही टीचर लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। वहीं राहगीरों द्वारा इसकी सूचना थाना पटवाई पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लहूलुहान टीचर को उठाकर इलाज के लिए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। वहीं सूत्रों के मुताबिक टीचर की जान बच गई है। टीचर का नाम सतबीर है, जो सुबह डौरिया सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में पढ़ाने के लिए जा रहा था। खबर मुरादाबाद से, जहां दुल्हन द्वारा ससुरालियों को लूटने का मामला सामने आया है। ऐशो आराम के लिए शादी रचाकर लुटेरी दुल्हन ने मुरादाबाद के सिविल लाइन के रहने वाले एक 30 वर्षीय युवक से शादी की और उसके बाद रात में खाने में नशीले पदार्थ खिलाकर सभी को बेहोश कर घर में रखा जेवरात और पैसे लेकर अपनी मौसी के साथ फरार हो गई। वही तहरीर के बाद पुलिस लुटेरी दुल्हन और उसकी मौसी को चोरी के गहने सहित गिरफ्तार कर लाई है।